मारा धर्म करती तो वो तो आज के हिसाब से स्वर्ग में गई है। तो दादी आकर मुझे बोल दे कि आवश्यक है, प्रेरणादायी है, अनुकरणीय है, तो मैं आगामी यात्रा के लिए महाराज जी का और उनको टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि और इसी तरह से आम जन के जागरूकता का, उनको सही मार्ग पे चलाने का काम आगे अनवरत चलता रहे, यही शुभकामनाएं देते हुए मेरे दो शब्द को विराम देता हूं। सही बराबर बना रहे और आपके दर्शन लाभ हमें मिलते रहे, इसी बात को कह के मैं अपनी बात पे विराम करूंगा। धन्यवाद। चैरिटेबल ट्रस्ट के जो सामूहिक कार्य सेवा चिकित्सा एवं शिक्षा नशा मुक्ति आदि के लिए उपलब्ध रूप से चलने के लिए अग्रसर हो गया। 156 समणी जी 40 और मुमुक्ष बहने 35, लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं का शुभागमन दीक्षा समारोह है। ध्यान दिया गया था और उन्हें रुकाया गया, जो सुविधाएं उन्हें मिली पुनः आपके श्री चरणों में उन्हें उन्होंने निवेदन किया और आपने उनका 3 माह तक आपने आपकी सन्निधि में रहे पूज्य प्रवर। विदाई था यह फल क्यों आया है, गुरुदेव विदाई था। गुरुदेव आप श्री की विशेष कृपा बिदासर पर रही, सदैव रही है। आप श्री बिदासर में 25वां व धर्म संघ का 198वां मर्यादा महोत्सव करने पधारे हैं। आप श्री ने मर्यादा महोत्सव की रजत जयंती देकर बिदासर को गौरव बढ़ाया है। आज दायित्व ग्रहण एवं ध्वज हस्तांतरण का मंगल दिन है। भीलवाड़े की सफलतम चतुर्मास के पश्चात भीलवाड़े का श्रावक समाज ध्वज हमारे हाथ में देकर हमें अपने दायित्व बोध कराएगा। आज का दिन हमारे लिए मंगल एवं दायित्व बोध का दिन है। प्रभु हम बिदासर वासियों का ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हम सभी पूर्ण समर्पण भाव से ग्रहण निष्ठा कस कर कमरे जुड़े हैं, धरती नभ में वैष्णव गण की होगी जय जयकार, जय जय ज्योति। सार्थकता का अनुभव किया है उस अद्भुत अपूर्व अद्वितीय अविरल आनंद भूति के लिए कोटि कोटि कृतज्ञता के भाव हृदय से कंठ तक मुखरित तो हो रहे हैं, पर गमगीनता के कारण अवरुद्ध हो रहे हैं। 6 संकल्प लिखित किए गए हैं, तो कभी कोई गुस्सा ऐसा तेज गुस्सा गुस्से में बोलने का ज्यादा ऐसा काम पड़ जाए तो एक दिन उसके लिए नमक छोड़ने का, यानी या तो नमक या लाल गदगद हो जाता मुझे शरीर में। एक एक व्याख्यान आज 123 दिन हुए, कोई दिन ऐसा खाली नहीं गया कि मैंने व्याख्यान नहीं सुना। हमेशा 4-6 समय डेली करता था, या तो 4 या 6 या 7 डेली वाली सुनवाई होती थी, और डेली सुनवाई का विवरण और जितना भी व्याख्यान हुआ आज मेरे 123 पेज पूरे हो गए। ये मैं गुरुदेव का आशीर्वाद ही समझता हूँ। मैं कोरोना में बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, लेकिन मैंने सोचा ये चतुर्मास मेरे लिए देखने को गुरुदेव का नहीं मिलेगा, लेकिन गुरुदेव की कृपा हुई, मैं स्वस्थ हो गया। 2 चीजें गुरुदेव ने मुझे बताई, चेता भार। आपका चौमासा, विदाई का नाम सुन मन भारी हो गया, विदाई का नाम सुन मन भारी हो गया। 18 जुलाई आराध्य के आने की 18 जुलाई आराध्य के आने की खुशी थी, 20 नवंबर को बिना बुलाए एकम के आने का गम है, 20 नवंबर को बिना बुलाए एकम के आने का गम है। पापा जी का सपना था वो पूरा हो गया, पापा जी का सपना था वो पूरा हो गया, चौमासे में सेवा का दुर्लभ अवसर मिल गया।